उलियास जैसो गैडपंख मक्कार और बदमाश गवा लायो। कैसे गवा? जैसे जेलदार, जैसे इब्राहिम, जैसे भाई चेयरमैन, ऐसे झूठे गवाह ने ले आयो। नुक बता भाई जेलदार, हंसनी मेरे साथ कितने कितना सु है? जेलदार करो जी 15 साल से तेरे साथ, गैडपंख के साथ हंसनी 15 साल से। दूसरे से बोली भाई बता तू कितने दिन? नुक जी मैं तो 21 साल से देख रहा हूँ तेरे साथ। तीसरे से पूछी नुक मैं 25 साल से देख रहा हूँ हंसनी गैडपंख की है। पहले तो उसका नाम था ललगेंडा, जब हमारे बड़े बूढ़े कह रहे नुक यार ललगेंडा बड़े सियाणो है, मैं ये ललगेंडा कौन है नुक इलियास? फिर उसका नाम धर दिया मनारी, फिर उसका नाम धर दिया बाजीगर, और अब धर दियो बाबा। वो बाबा आसाराम की वैरायटी को गांव बिछोर और नवलगढ़ में जैसा जोश खरोश आज दिखा रहे हैं आप लोग, आप आने वाले 5 तारीख को इस जोश को होश में मत खोना और बल्ले के बटन को दबाना और भाई साहब को कामयाब बनाना। और जो कांग्रेस का प्रत्याशी मोहम्मद इलियास बाईसी के बारे में झूठा प्रचार करता फिर रहा है, उसके बारे में आप बिल्कुल भी ध्यान ना देना। उनसे सिर्फ ये पूछना कि बाईसी ने आप लोगों को 50 साल वोट किया, आपने बाईसी में क्या काम किया? जब हमारा कुछ भी नहीं कर सकता तो यहाँ क्या करेगा? एक मिसाल छोटी सी, थोड़ी ध्यान से सुने आप। एक गैडपंख बैठो एक पेड़ पे और हंस और हंसनी जा रहे उड़े उड़े। जब हंस कह रहा हंसनी सु लोग दिन छिप गो यहाँ बैठ जाए थोड़ी रात कट जाएगी, जब हंसनी कह रही है भाई देख ले कभी और कोई बूझ बूझा है ना नुक ना, यूँ तो गैडपंख है हम हंस हंसड़िया भाई। एक लो जो हंस बैठो गैडपंख ये भले को ना बैठो। ये बात गैडपंख सुन गई तो गैडपंख बड़ी सोच समझ से, और हंस और हंसनी जब भगत के वापस आ गए तो सारी रात उस पेड़ पे बैठे रहे। जब सुबह ही उड़ने की कोशिश करी तो गैडपंख हंसनी के पैरों में लिपट गया। गैडपंख से हंस बोला भाई तू तेरी जात बिरादरी भी अलग है, तू कैसे हंसनी के पैरों में लिपट रहा है? तो गैडपंख बोलो भाई यू हंसनी मेरी है। हंस बोलो रे तेरी तो जात बिरादरी भी अलग है, हंसनी तेरी कहाँ से आ गई? तू तो गैडपंख है मैं हंस हूँ। नुक भाई अब बहस फैसले करेगी बिरादरी। इलियास जैसो गैडपंख मक्कार और बदमाश गवा लायो। कैसे गवा? जैसे जेलदार, जैसे इब्राहिम, जैसे भाई चेयरमैन, ऐसे झूठे गवाह ने ले आयो। अब गैडपंख ने जब गवाह बुला लिए, जब कह रहो हंस भाई बिरादरी जैसे फैसले करेगी तू मानेगा ना? नुक हाँ भाई बिरादरी के फैसले सारी दुनिया माने। नुक बता भाई जेलदार, हंसनी मेरे साथ कितने कितना सु है? जेलदार करो जी 15 साल से तेरे साथ, गैडपंख के साथ हंसनी 15 साल से। दूसरे से बोली भाई बता तू कितने दिन? नुक जी मैं तो 21 साल से देख रही हूँ तेरे साथ। तीसरे से पूछी नुक मैं 25 साल से देख रही हूँ हंसनी गैडपंख की है। भाई वाने की जब बिरादरी को फैसल हो तो हंस बोलो भाई मैं तो जा रहा हूँ, हंसनी तेरी बिरादरी दे दी भाई मैं जाऊँ। तो हंस उड़ के चलो, थोड़ी सी दूर चलने के बाद गैडपंख बोलो भाई वापस आ जा। हंस बेचारा वापस आके मायूस होकर बैठ गया। नुकह रहा हंस जब टूट के जा रहा था ना, जब तू इस हंसनी से कह रहा था कि ये लो जो पेड़ पे बैठो भले को ना बैठो, कोई उजड़ बस्ती करके बैठो है। रहा हंस मैंने उजड़ बस्ती ना करी, ये तो ऐसे झूठे ने उजड़ करी जैसे ये बैठे जेलदार। तो दोस्तों मैं एक बात, 2009 में जब विधानसभा अलग बनी, हम बहुत लंबे समय से इलियास के साथ वोटिंग कर जा रहे थे। तो जिस दिन एक दिन रात को करीब 8-8:30 बजे मैं उसके साथ था, वो अकेला गाड़ी लेके ड्राइवर के साथ जाने लगा। मैं बोला भाई मंत्री कहाँ जा रहा हूँ मेरे बगैर? लोग छोटे भाई सोजा भी आ रहा हूँ मैं, धर्म से कह रहा हूँ रात के सारे भरी रात सत्यनाश जाएगा अगर झूठ बोल रहा हूँ तो। जेलदार से मुझे जगह का तो पता नहीं वो कहाँ मिला था, लेकिन मिल के जरूर गया था। धेरी जब हमारे सारी बाईसी लेके प्रोग्राम था वह का नौगांव से जमालगढ़ से राणो था मानो था का,
मैंने कही जी सारी दुनिया परेशान है, मानो तो चलना, चलो ना, रुक जा भाई। भाई रोकते रोकते 3 बजा दिए भाई, झट जेलदार की ऊँट बोगी थ्री व्हीलर और ट्रैक्टर झट के मंडी के गेट में बढ़ गए। सिकाई हुई बात, कुछ भाई हमारे यहाँ से गए जो जेलदार के साथ थे, उन्हें बुबकारी मारी मंडी के कोठी के सामने, तो बहरूपिया बाहर से जाके भीतर बैठकर एक मिनट में रोन लगा। अब हम पिट्ठू तो है भाई, भोड़े बोटे बोले रहा मंत्री जी कैसे रो रो, अरे मेरी कोठी का आगे बुबकारी मरो और जेलदार यार देखूंगा। जब हम कह रहे राज मंत्री चिंता मत कर, बीच में छोर में बुबकारी मारेंगे, अरे ना ना तभी रुक जाओ थोड़ी सी देर, या तो मैं वोटर बना के छोड़ूंगा। ये 2009 की बात है, 2009 की कही हुई बात आज साबित होगी। उसने वोटर बना दिए जेलदार और सारे वोटर बना दिए। मैं तो इस बात को कह रहा हूँ, ये रोड़ा है बहुत बड़ा आने वाले रहनुमाओं के लिए, चाहे तैयब हो, चाहे इब्राहिम हो, चाहे इरशाद हो, चाहे जेलदार हो। अगर अब के टिकट हरा दिया तुम लोगों ने, तो अगले बे टिकट कोई पकड़ लियो, और गलती से कोई चूक होगी अल्लाह के ना मंजूरी, तो टिकट के सपने देगी सारी ज़िंदगी बीत जाएगी। तो मैं तो इस बात को कहना चाह रहा हूँ, हमारी 22 कभी राष्ट्रीय सत्र के लीडरों को इतना मान सम्मान न दे सकी, क्योंकि लोग अंग्रेज तुगलक वाला वो चलाया करते काम दबा के इन्होंने सारी 22 को रखा। बड़ी मुश्किल से 2014 में हम 10-12 सरपंच मिलके मशवरा किया, भैया शैतान कोल पीट सके, तो सुफेदा सरपंच तेड़, कल्लू सरपंच तेड़, हनीफ फिरोजपुर तेड़, ये मशवरा करके बोले भाई या शैतान तो रही सा पीट सके। तो भाई 2014 में हमने मशवरा करके भाई साहब को 22 से 14,700 वोट दी, और अब के जो हमारी 2014 की टीम थी ना, उसमें से एक भी बंदा ना टूटा। हमने उसके बंदे जो तोड़ने थे ना वो तोड़ लिए, उसके पास एक भी ना बचा। 22 की तरफ से आप सब इस बात का यकीन करें, उसको हम 5,000 सजा के भेजेंगे और नहीं तो राजनीति संन्यास ले लेंगे। अब उसका नाम, पहले तो उसका नाम था ललगेंडा, जब हमारे बड़े बूढ़े कह रहे यार ललगेंडा बड़े सियाणो है, मैं ये ललगेंडा कौन है नुकिलियास। फिर उसका नाम धर दिया मनारी, फिर उसका नाम धर दिया बाजीगर, और अब धर दियो बाबा। वो बाबा आसाराम की वैरायटी को ज़्यादा खोलूंगा कुछ बाढ़ क्या ऐसा है, आसाराम जैसे करतूत, जैसे 65 साल आसाराम ने बदकारी की, इस बंदे ने 61 साल बदकारी की। मेरे सामने आके बैठा तो मैं 1,00,000 रुपये नाम लूँगा अगर इसमें कोई झूठ हो तो। और अब बीजेपी का कैंडिडेट उसका भाई है जो चौधरी एजाज, कल जमालगढ़ में परसों रात को मैं गया, उसके खास रिश्तेदारों ने बात कही भाई हम तो इलियास को वोट देंगे। फिर किसने कही नुके एजाज, एजाज से पूछी भाई तू बहुत बड़ी पार्टी का कैंडिडेट है, तू कांग्रेस की सपोर्ट कैसे कर रहा है। लोग भाई खानदान बचाना है, ये लोग अपने खानदान को बचाने में लगे हुए हैं, ये इलाके की जनता की इलाके की विकास की इनको कोई परवाह नहीं है। मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रहा हूँ बारह गाँव की सरदारी से, एक भी वोट इसको देना बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे भाई हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, आने वाली 5 तारीख को चौधरी रईस खान का निशान सबको मालूम है, बल्ले का बटन पे बटन दबाना है। अस्सलाम वालेकुम।